आप सर कैसे बताओगे किसी को अगर रिच बनना है क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे रिच बनेगा? ये हाउ टू बिकम रिच का फिलॉसफी गलत है सतीश भाई। जब मान लेते रिच बनना मेरा लक्ष्य बन गया, अब जो भी चीज मेरे को रिच बनने में मदद करेगी वो सब करूंगा मैं, जो मुझे पैसा कमाने में मदद करेगा वो सब करूंगा। उसके चक्कर में वो कुछ भी कर जाएगा। अगर डॉक्टर है उसको दिखा दो हाउ टू बिकम रिच, ये ज्यादा सर्जरी करो हो जाएगा, क्या दिक्कत है आपको, अपेंडिक्स का दिक्कत है, ओहो ओपन सर्जरी फिर तो बाईपास, ओ ये अभी आप बताओ ना कितनी लड़कियों का नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, सब सी सेक्शन सेजेरियन। आज से 20 साल पहले क्या था भाई, तब कैसे नॉर्मल डिलीवरियाँ हो रही थी, अब क्यों नहीं हो रही? हाउ टू बिकम रिच के कारण हो रहा है। अगर आपको रिच बनना है तो डोंट फोकस ऑन हाउ टू बिकम रिच, फोकस ऑन हाउ कैन आई मेक माय कस्टमर एक्सट्रीमली हैप्पी, हाउ कैन आई मेक माय कस्टमर सक्सेसफुल। तो आपके पास इतना आएगा, लौट लौट के आएगा, बार बार आएगा, बढ़ बढ़ के आएगा, दोबारा आएगा, औरों को लेकर के आएगा, खुद भी आता रहेगा, सबको आपके बारे में बताएगा, आपका इतना बड़ा फैन हो जाएगा, आपका एडवोकेट बन जाएगा, पहले कस्टमर बनेगा, फिर रिपीट कस्टमर बनेगा, फिर लॉयल कस्टमर बनेगा, फिर एडवोकेट कस्टमर बनेगा। तो फोकस ऑन हाउ डू आई मेक माई कस्टमर सक्सेसफुल, क्योंकि रिच की जो फिलॉसफी है। अच्छा, दूसरे अगर आप कस्टमर बेसिस मॉडल पर काम नहीं कर रहे तो फिर तब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शेयर मार्केट पर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एफिलिएट मार्केटिंग पर काम कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तब फिर आप अपने खुद के कस्टमर हो, तो फिर आप अपने आप ही सर्वे ऐसे करो, अपने आप को ऐसे नॉलेज स्किल दो कि आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाए उससे।